हेलो गाइस, वेलकम टू जिमेटी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन की टाइमलाइन के बारे में, जो कि मार्वल स्टूडियो ने पहले ट्रेलर में रिमूव कर दी गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पोस्टर के बारे में। काफी फैंस का कहना है कि इस पोस्टर में जो डेट लिख रही है, इससे ये कंफर्म होता है कि ये मूवी एंड गेम के बाद की है। तो इस पोस्टर में जो डेट लिख रही है वो है 24 जुलाई 2019 की। तो मैं आपको बता दूं कि पीटर पार्कर के ब्रीफ केस पे एक वॉर लगी हुई है 24 जुलाई 2019 की, जिसमें कि जितना भी उसका सामान रखा हुआ है वो सिर्फ एक साल तक अप्रूवल है, यानी कि 2019 के बाद उसे अपने घर पर वापस आना पड़ेगा, यानी न्यूयॉर्क सिटी। तो आपको पासपोर्ट पे एक डेट लिखी होगी 19 जुलाई 18 जुलाई, जो कि इसके आगे लिखा हुआ था 19 जुलाई 2018 और 18 जुलाई 2019। ये एक साल तक अप्रूवल था पासपोर्ट। तो पीटर पार्कर फाइनली एक साल तक करा क्या? तो पीटर पार्कर फाइनली होम कमिंग के बाद, आप सभी को पता ही है कि आंट मे को पता चल गया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। देन उसके बाद पीटर पार्कर के साथ अच्छी अच्छी चीजें होने लग गई और पीटर पार्कर को स्कूल की तरफ से एक ट्रिप मिली, और ट्रिप का सारा प्लान था निक फ्यूरी का। देन निक फ्यूरी ने प्लान करा था कि हम स्पाइडरमैन की मदद लेते हैं, क्योंकि काफी सारे मॉन्स्टर और क्रिएचर आ चुके थे जो कि लोगों को परेशान कर रहे थे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एवेंजर्स कहाँ पर हैं। आप सभी को पता है कि सिविल वॉर के बाद कोई भी एवेंजर्स शील्ड के साथ नहीं है, निक फ्यूरी के साथ नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। फाइनली निक फ्यूरी प्लान करते हैं ट्रिप का, जिसमें कि वो स्पाइडरमैन को फंसाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, और पीटर पार्कर इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। और फाइनली पूरी पिक्चर एक साल हमें इसी चीज में दिखाई गई है। तो ये है गाइज वो टाइमलाइन। देन उसके बाद क्या होता है? तो आप सभी जानते हो कि जब पीटर पार्कर घर लौट रहा होता है न्यूयॉर्क सिटी में, तो वहां पर एक आ जाती है स्पेसशिप एलियन। यहां पर टोनी स्टार्क लड़ रहा होता है, यानी कि हमारा आयरन मैन, और फाइनली पीटर पार्कर बस से कूदता हुआ और आयरन मैन के पास चला जाता है, आप सभी को पता है। और देन उसके बाद क्या होता है पूरी मूवी में, और फिर टाइटन प्लेनेट, लड़ाइयां, मौत, स्नैप द फिंगर, तो ये सब कुछ है फार फ्रॉम होम की टाइमलाइन। तो एक साल तक पीटर पार्कर निक फ्यूरी की मदद करता रहा। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।